गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हम लोग आज के क्लास में देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। हम लोगों ने शुरू किया था इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट पार्ट में। हम लोगों ने बैंकिंग स्टार्ट किया है। बैंकिंग में आज हम लोग का टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रमेश बहादुर इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, ठीक है। ये अभी वर्तमान में आरबीआई का स्लोगन है। और पहले आरबीआई का स्लोगन क्या हुआ करता था, डेवलपिंग बैंकिंग। तो डेवलपिंग बैंकिंग से आरबीआई कन्वर्ट हो गई है वर्तमान में, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, कैशलेस पेपरलेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आरबीआई का ध्यान से देखिए, आरबीआई का क्या है एम्बलम, आरबीआई के एम्बलम में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये है लॉयन की टाइगर। तो आरबीआई जब बनी थी तो ये था लॉयन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अपना एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था लॉयन। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता, ऐसा बोला था। अभी क्या है, टाइगर। तो पाम ट्री एंड टाइगर, ठीक है, ताड़ का पेड़ और बाघ, ये वर्तमान में आरबीआई का एम्बलम है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए आरबीआई। तो हम लोग आज आरबीआई के बारे में पूरा ए टू जेड सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, आरबीआई। राम राम सर फ्रॉम हरियाणा। हाँ सौरभ, सौरभ शर्मा जी को राम राम। ध्यान से देखिए हम लोग आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ना है। वेरी फर्स्ट, पहला है विश्व के परिदृश्य में, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक। कुछ इंटरेस्टिंग मैंने टर्म्स यूज किया है, उसको आप देखें। पहला है दुनिया के बागीचे में, इट मीन्स वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक क्या है, सबसे पहला कौन था, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, अतीत के पन्नों में, भारत में हम लोग देखेंगे कुछ बैकग्राउंड, भारत में क्या क्या इसकी इतिहास रहा है। एम्बलम जस्ट अभी मैंने बताया, इसका प्रतीक चिन्ह एम्बलम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है थाम लिया हाथ, तो भारत सरकार ने इसका हाथ थाम लिया, मीन्स इसका नेशनलाइजेशन हो गया, तो उसको मैंने कुछ इंटरेस्टिंग टर्म दिया है। आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आरबीआई उसका संगठन कैसा है, कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आरबीआई के मुखिया, इट मीन्स गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर आरबीआई के कौन है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई का आशियाना पूरे देश में कहाँ कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके ऑफिस कहाँ है। नेक्स्ट, आरबीआई की कुछ सहयोगी संस्थाएं भी है जिसे हम लोग सब्सिडरी बॉडीज कहते हैं। इसमें मैंने कहा हम साथ साथ है ना, तो ये भी साथ में है। आरबीआई का अपना अकाउंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता है, वो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। अब आरबीआई का मेन जो है इम्पोर्टेंट चीज हुआ फंक्शन, देखा हमार काम का बा देखा। तो देखिए आरबीआई का क्या क्या काम है, मैं आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इनकम, आरबीआई का राशन पानी दाना पानी कैसे चलता है, कहाँ से मिलता है, और आरबीआई के कुछ करेंट चीजें, आरबीआई के कुछ करेंट बातें, मैं तेवर में आरबीआई, तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, इसको आप देख लें एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके उतार लें, बढ़िया नोट्स आपको आरबीआई के बारे में अच्छे से बन जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग आरबीआई के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड के दृश्य में, दुनिया के बागीचे से कुछ फल तोड़कर लाते हैं, उस फल का नाम क्या है, सेंट्रल बैंक। तो विश्व में सबसे पहले केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक किस कंट्री में बना था, स्वीडन में। विश्व में पहला जो सेंट्रल बैंक बना था वह था स्वीडन में, ठीक है। सेवरेजेस रिक्स बैंक, या इसको सिर्फ रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसको सिर्फ रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी, द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड इज रिक्स बैंक और सेवरेजेस रिक्स बैंक। 1668 में स्वीडन में सबसे पहले बनी थी। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कुछ और भी
सेंट्रल बैंक्स है जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे पहले स्वीडन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड में स्वीडन का मैप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है स्वीडन, एंड जो बैंक बना था वर्ल्ड में वह था बैंक ऑफ इंग्लैंड, थर्ड स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये कुछ बैंकें हैं आज के डेट में बहुत फेमस, द लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड कौन है, विश्व की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक कौन है, ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर इसका पूरा पेड अप कैपिटल, फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका की ये आज सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जापान का जो सेंट्रल बैंक है उसे हम लोग नीची जेन कहते हैं, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इस तरह से कुछ कुछ। गुड इवनिंग सभी को, एक बार आपको, आप लोगों ने इसको देख लिया क्या क्या है। अब देखते हैं भारत में आरबीआई कैसे बनी, आरबीआई का इतिहास कैसे शुरू हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्ब सर, नेपाली पीपल यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? इंडियन सिटीजन है तो बिल्कुल दे सकते हैं, अगर इंडियन सिटीजन है तो दे सकते हैं। स्टार्ट करें हम लोग आरबीआई भारत में, इसके अतीत के दर्पण में, अतीत के पन्नों पर थोड़ा इसको पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आरबीआई के इतिहास क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, अंग्रेजों के समय, भारत में एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था चैम्बरलिन कमेटी। इस चैम्बरलिन कमीशन 1914 में इसने अनुशंसा किया था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, बट वो सेंट्रल बैंक आरबीआई हुआ ऐसा नहीं था, क्योंकि इस कमेटी के रिपोर्ट पर कौन सी बैंक बन गई, इस कमेटी के रिपोर्ट पर इंपीरियल बैंक बन गई। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है इंपीरियल बैंक, तो इस कमेटी के रिपोर्ट पर इंपीरियल बैंक बनी। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, इंपीरियल बैंक भारत में कब बनी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में कब बनी, इस कमेटी के रिपोर्ट पर ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं तो देख ले, हम लोगों ने इंपीरियल बैंक के बारे में मैप से भी पूरा चर्चा किया था। तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक है, उन प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर 1921 में, वेरी गुड सुधांशु, रंजन एंड शशि, ललन और बाकी लोग भी, 1921 में इंपीरियल बैंक बनी थी, तीन प्रेसिडेंशियल बैंक को मिलाकर। ये इंपीरियल बैंक किसके अनुशंसा पर हुई थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चैम्बरलिन कमीशन, ठीक है। इसके बाद 1926 में एक और कमेटी बनी, जिस कमेटी के चेयरपर्सन जो हेड थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम था रिचर्ड हिल्टन यंग। इनके नाम पर इस कमीशन, इस आयोग का नाम क्या है, रिचर्ड हिल्टन यंग कमीशन। वास्तव में ये आयोग बना क्या था, तो एक शाही आयोग थी, रॉयल कमीशन था, किस चीज पर, इंडियन करेंसी और फिनांस, भारतीय मुद्रा और वित्त से संबंधित एक आयोग थी, कमेटी थी। ये कमेटी कब बनी, 1926 में ये कमेटी बनी, और इस कमेटी ने ही सबसे पहले ये कहा कि भारत में एक सेंट्रल बैंक आरबीआई के रूप में होनी चाहिए। इस कमेटी की ही अनुशंसा पर आरबीआई बनी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई किस कमेटी या किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनी है, तो वह कमेटी है हिल्टन यंग कमेटी, जिसका एक्चुअल नाम रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये इसका एक्चुअल नाम था, ठीक है। इस कमीशन के रिपोर्ट के बाद एक भारत में आरबीआई एक्ट बनी, 1934 में आरबीआई एक्ट बनी। अब आरबीआई जो भी काम कर रही है आज के डेट में, वो आरबीआई एक्ट के अनुसार काम कर रही है। आरबीआई एक्ट जो है वो क्या है, तो आरबीआई के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक मेंटोर के रूप में काम कर रही है, एक गाइड के रूप में काम कर रही है। आरबीआई जो भी ड्रॉ कर रही है वो इसी एक्ट से कर रही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी इस साल IAS 21 में पूछा गया है, ठीक है। इस साल 10 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई से दिस ईयर यूपीएससी प्री में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत हल्के में इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो आरबीआई की एक एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार
आरबीआई का डेब्यू मैच कब हुआ, मतलब आरबीआई कब स्थापित हुई, तो आरबीआई का डेब्यू मैच हुआ, डेब्यू कब हुआ, स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनी। कहाँ बनी है आरबीआई, तो आरबीआई उस समय कलकत्ता में बनी थी, ठीक है, बाद में इसको शिफ्ट किया गया कहाँ, मुंबई में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आरबीआई जो बनी थी तो क्या ये सरकारी बैंक थी कि प्राइवेट बैंक थी, तो आरबीआई जो बनी थी उस समय वो प्राइवेट बैंक थी, उसमें जो भी स्टेक होल्डर मतलब जो उसके पार्टनर थे वो एक से अधिक थे, कोई एक आदमी इसका ऑनर मालिक नहीं था। इसमें ऐसा माना जाता है लगभग 100 लोग इसके शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स मतलब पार्टनर थे इसका, ठीक है। जिस समय उसकी जो कुल अधिकृत पूंजी जो कुल हुआ करती थी वह कुल कितनी थी, 5 करोड़। सरकार का भी इसमें से हिस्सा था लेकिन वो हिस्सा बहुत ही कम था, ठीक है, लगभग 22 लाख के आसपास सरकार का उस समय हिस्सा था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा था, और बाकी चीजें जो थी वो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोग इसके स्टेक होल्डर पार्टनर हुआ करते थे, ठीक है। मैंने लिख दिया प्राइवेटली ओन ज्वाइंट स्टेक होल्डर थे लगभग 100। इसकी कुल पेड अप कैपिटल, कुल चुकता पूंजी जो कुल पूंजी थी वो थी 5 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब इंपीरियल बैंक, आरबीआई के पहले कौन काम कर रही थी, एक सेंट्रल बैंक के जैसा इंपीरियल बैंक काम कर रही थी, तो इंपीरियल बैंक से छीन लिया गया उसका एक इंपॉर्टेंट काम जो इंपीरियल बैंक सॉरी करती थी वह क्या थी, करेंसी इशू मैनेजमेंट, मुद्रा को जारी करने की जो मैनेजमेंट थी वो कौन इशू करती थी, इंपीरियल बैंक। जैसे ही आरबीआई बना वो आरबीआई इंपीरियल बैंक से शिफ्ट कर दिया गया, ये काम किसके पास, आरबीआई के पास, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरबीआई का ट्रिपल रोल है, 3 इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान दें। आरबीआई कब बन रही है, 1935 में बन रही है, लेकिन आरबीआई जो है वो आरबीआई जो है वो इंडिया की तो इंपॉर्टेंट बैंक है ही, मेजॉरिटी इंडिया की सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रही है, बट ये कुछ समय के लिए पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम किए, ठीक है, पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम किए। इट मीन्स 1947 जब ये पाकिस्तान बना तब से लेकर ये पाकिस्तान के एक बैंक के रूप में काम की है, ऑलमोस्ट 30 जून 1948 तक ये पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक थी। जब तक पाकिस्तान का कोई नया सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, वो नहीं बन गया। इट मीन्स 1 जुलाई 1948 को पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक बन गया, ठीक है, तब तक ये पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बर्मा, ठीक है, वर्तमान में सब लोग म्यांमार कहते हैं बर्मा, तो बर्मा जो है ये अलग हो गया भारत से 1935 के जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और ये 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। तो ये एक बर्मा के रूप में भी, बर्मा के लिए भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम की है, ठीक है, अप्रैल 1947 तक आरबीआई बर्मा की भी सेंट्रल बैंक थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की भी और बर्मा की भी सेंट्रल बैंक थी, कब से कब, इसको ध्यान रखना। सर क्या जेपीएससी जय और बौद्ध धर्म पर क्वेश्चन पूछ सकती है, मेंस वाला जो है, आप लोग जितने भी लड़के मेंस में हैं वो हम लोग मेंस पर आप या पर्सनल चैट कर लीजिए, मेंस में हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं, मैंने एक मेंस का क्वेश्चन बताया था, आज फिर मैं कुछ टॉपिक डालूंगा मेंस के लिए, घबराना नहीं है, कल मेरी छुट्टी है तो कल कुछ वीडियो में मेंस के लिए कोशिश करूंगा अलग से बनाने का, अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस पर डिस्कस करते हैं। आरबीआई आपका कोचिंग हजारीबाग में है, हाँ कोचिंग एलिगेंट कोचिंग है जो कि
मेरी मैडम चलाती है वो हजारीबाग में। इतना क्लियर हम लोगों का। इसके अलावा आरबीआई जो है वो आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी या कौन करती है? आरबीआई। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल आरबीआई के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा आप सब लोग। आईएमएफ, आई होप आप सब लोग आईएमएफ के बारे में सुने होंगे, ठीक है। ये उपज है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका परिणाम है आईएमएफ भी और वर्ल्ड बैंक भी, ये दोनों इसी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। आई होप तो आप बताइए कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुआ था। ब्रिटेन वुड्स तो नाम ही बता दिया मैंने, चलिए बताइए ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में और कब हुआ था? IMF is very very important. आज के आपके एग्जाम के लिए भी IMF प्री और मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है। महेश 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जो अमेरिका USA में हुआ था, ठीक है, 1944 में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस का ही रिजल्ट है, परिणाम है दो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक का नाम है वर्ल्ड बैंक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना गया, और IMF इस सम्मेलन का दो इम्पोर्टेंट। सर इकोनॉमिक्स वीडियो प्लेलिस्ट सीरियल नंबर से बना दीजिए, बना दूंगा अभी तो शुरू ही किया, तो RBI 1 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। तो IMF ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आई होप कि आज IMF में कितने कंट्री मेंबर हैं, तो 190 इसके मेंबर हैं। एंड इसका HQ कहाँ है? इसका HQ वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा। अब हम लोग आते हैं कि RBI का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो RBI पहले क्या है, प्राइवेट कंपनी, ब्रिटिश काल में चल रही है, कुछ प्राइवेट लोगों ने मिलकर उसे चलाया है, उसके कई स्टेक होल्डर्स थे। इसी बीच में क्या हुआ, 1947 हो गया, भारत आजाद हो गया। भारत की जब आजादी हो गई तो 26 जनवरी 1950 को इंपीरियल बैंक कि जितनी चीजें थी वो सब हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1947 के बाद RBI का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और भारत सरकार ने उसे अपने हाथों में थाम लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 1949 अंडर RBI ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार क्या हुआ, ये पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कौन देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है, के अंडर में चला गया, ठीक है। तकनीकी तौर पर अब ये बैंक नहीं रहा। क्या RBI एक कॉमर्शियल बैंक के जैसा काम करती है? नहीं करती है, पहले कर रही थी। तो नेशनलाइजेशन के पहले RBI एक कॉमर्शियल बैंक के जैसा काम करती थी, बट नेशनलाइजेशन होने के बाद यह एक कॉमर्शियल बैंक नहीं, पूरी तरह सेंट्रल बैंक, बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है, ठीक है। सभी लोग फोकस करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें, बकवास फालतू बातें, इस टॉपिक से जो रिलेटेड नहीं हो उसको बात करने से फायदा क्या। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ है, और मार्च 1949 को
इंडिया गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो कंपनी बाद में रेगुलेशन एक्ट में कन्वर्ट हो गया, एक नई एक्ट बनाई, इसको ध्यान रखिएगा आने वाले यूपीएससी में या बीपीएससी में जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें इस सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बारीकियों से ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आरबीआई का एक फंक्शन, आरबीआई का एक संगठन है, तो आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में ही ध्यान दें, हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैंने शुरू में ही बनाया है, वो ये है कि आरबीआई का ये पार्ट हम लोगों ने कर लिया, आरबीआई का डेब्यू हो गया, अब आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर कैसा दिखता हूं मैं, इट मीन्स आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन इस बार आईएएस में आया है, आईएएस 21 में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, मैंने कहा था दो प्रश्न इस बार यूपीएससी में आरबीआई से आए। अब आप समझ रहे हैं कि यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आरबीआई का, आरबीआई के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल एक बोर्ड है जिसमें कई डायरेक्टर्स होते हैं, तो आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड है जिसमें 21 21 डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक होते हैं, तो निदेशक मंडली है, तो केंद्रीय निदेशक मंडली है, ठीक है। दो पार्ट में हमने किया है, एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, एक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर हैं, कितने निदेशक हैं, तो इसमें 5 है और इधर 16 है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके समझाता हूँ। 16 5, ये 5 जो है इसमें एक गवर्नर होंगे और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर जो है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, कौन नॉमिनेट करते हैं, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, यही क्वेश्चंस इस बार यूपीएससी में पूछा गया था, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे नॉमिनेट किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है, इसके लिए अलग से एक अपॉइंटिंग कमेटी बनती है। कितने समय के लिए होता है, तो ये मैक्सिमम 5 वर्षों के लिए किया सकता है, शुरू में 3 वर्ष, मैक्सिमम उसको 2 साल और बढ़ा सकता है, 5 वर्षों के लिए मैक्सिमम, या फिर उम्र 62 साल, ठीक है। तो जो अर्लियर होगा वो होगा इसमें, तो 1 और 4 इसको आप ध्यान रखें। वैसे ही है 16 है, 16 में से 10 4 2, इस तरह से डायरेक्टर्स बांटे गए, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों से कुछ निदेशक होते हैं, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। कितने समय के लिए, टेन्योर कितना इसका होगा, 4 वर्षों के लिए। फिर ये 4 ऐसे लोग हैं, पूरे भारत लोकल बोर्ड, आरबीआई का पूरे देश में 4 लोकल बोर्ड है, हर एक लोकल बोर्ड से एक एक डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, तो कितने हो गए, 4। इंडिया में लोकल बोर्ड्स कितने इसके हैं, 4, ठीक है। जो मेन जोनल ऑफिस है वो 4 है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, मैं बताऊंगा आपको इसमें, तो हर एक एक से 4, तो 4 हो गए। हर एक लोकल बोर्ड में भी 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, प्रत्येक लोकल बोर्ड्स में 5 मेंबर होते हैं। अगर 4 लोकल बोर्ड है और एक में 5 मेंबर है, तो कुल कितने मेंबर हो गए, 5 × 4, 20 मेंबर्स हो गए। बट डायरेक्टर्स कितने हैं, ईच कैरिंग 1 डायरेक्टर, तो एक डायरेक्टर कितने, 4 है। ये 2 कौन है, तो ये 2 सरकार के तरफ से आते हैं, ठीक है, एक इकोनॉमिक अफेयर आर्थिक मामलों के सचिव होते हैं और एक वित्त मामलों के सचिव स्तर के आईएएस ऑफिसर के लेवल के होते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। यहाँ ध्यान दें, प्रत्येक वर्ष इसके मैक्सिमम कितनी मीटिंग होती है, इस बोर्ड की 6 बार इसकी मैक्सिमम मीटिंग होती है, ठीक है। गवर्नर्स, अभी तक गवर्नर्स को देखे हम लोग क्या क्या है, तो इसके पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, पीरियड लिख दिया मैंने 35 से 37। ये वास्तव में उस समय एक बैंकर थे और ये इंपीरियल बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इंपीरियल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एक बैंकर के रूप में काम करते थे, इन्हें इसका पहला गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट गवर्नर थे, बट ये विदेशी थे, अंग्रेज थे, भारतीय तो थे नहीं,
भारतीय इसके कौन बने? तीसरे गवर्नर, फर्स्ट इसके बाद एक और बने हैं, फिर ये तीसरे। तो आरबीआई के जो तीसरे गवर्नर बने वो भारत के पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, और आजादी के बाद भी ये पहले गवर्नर, आजादी के बाद भी ये पहले गवर्नर, 1947 बीच में आएगा ना जी 15 अगस्त, तो फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उस समय भी गवर्नर यही थे, 1 जनवरी 1949 को। ये तीन चीज जुड़े हुए हैं देशमुख साहब से, वो ध्यान रखिएगा। कुछ और चीजें मैंने दिया है जो कभी एग्जाम में नहीं आया, शायद आ सकता है, वो ध्यान रखिएगा। तो बंगाल पे क्या है? बंगाल रामा राव। बंगाल रामा राव क्या है? ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर है, ठीक है, और सबसे कम समय तक रहने वाले गवर्नर है अमिताभ घोष, ओनली 20 डेज, सिर्फ 20 दिनों तक ही ये गवर्नर थे। आज के डेट में वर्तमान में कौन गवर्नर है, क्या है, सो मैंने लिख दिया है। एक गवर्नर जो वर्तमान में है वो कौन है? शक्ति कांता दास जी है, श्री शक्ति कांता दास, ये अभी है। इसके अलावा चार और डिप्टी गवर्नर है, कौन कौन है बोर्ड पर लिखा हुआ है। महेश कुमार जैन, इन्हें रीअपॉइंट किया गया अभी जून 2021 में, ठीक है। रवि शंकर, आई थिंक फरवरी में इनको अपॉइंट किया गया है। माइकल पैट्रा एंड एम राजेश्वर राव। तो ये वर्तमान में कौन गवर्नर है और कौन डिप्टी गवर्नर है, ये मैंने आपको बताया है। अब इनका आशियाना देखें, भारत में इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डेफिनेटली इनका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? तो सबसे पहले ये कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर हुआ 1935 में, बट 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? बॉम्बे। तो इसका हेडक्वार्टर 1937 में बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। चार जोनल ऑफिसेस का और 31 रीजनल ऑफिसेस। चार जोनल ऑफिस कहाँ है? देश के चारों महानगर जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन है वहाँ इसके चार जोनल ऑफिसेस और 31 रीजनल ऑफिसेस हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। अब बताइए कि अगर मान लिया जाए कि किसी जगह आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं, तो वहाँ आरबीआई को कौन सी बैंक रिप्रेजेंट करेगी? आरबीआई को कौन सी बैंक रिप्रेजेंट करेगी? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर पे। हाँ ये सही है, 48 है। तो इसका आपका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सुभाष वर्मा, सुधांशु रंजन, करुण सिन्हा, सुधीर, वेरी गुड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को उस जगह पर रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आरबीआई को वहां SBI करेगी। अब आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण सहायक संस्था, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और मेंस में जब आप आरबीआई के फंक्शन को लिखिएगा तो फिर आपको इसका उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार। तो आरबीआई की कुछ सहायक बॉडीज हैं, कुछ सब्सिडरीज बॉडीज हैं, कितने हैं? चार सहायक बॉडीज हैं, और उसका क्या क्या काम है वो आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं कि लंबा लंबा क्या दिया। बस फर्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है? DICGC, ध्यान से देखिए इसका क्या काम है, डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, ठीक है, डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, उसकी ये गारंटी लेता है। तो ये पहला जो बॉडी है इसका मुख्य काम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, SAC, ठीक है, करेंसी। तो इसका काम आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसको देखिए इसका क्या काम है, ये भारतीय रिजर्व बैंक इसका काम है नोट मुद्रण करना, नोट छापना, नोट मुद्रण करना, भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट मुद्रण करती, ठीक है, ये हो गया। यहां देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक इसका मेन काम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला काम क्या था?
डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट। सेकंड का काम क्या था? नोट मुद्रण, नोट का प्रिंटिंग करना, छपाना। नोट प्रिंटिंग जब आया काम तो ये आपको आएगा। और इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी से बेस्ड ये भी है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड ये सर्विसेज, तो ये भी टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट सहायक संस्था है, इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे क्या इसका काम है, ठीक है। आरबीआई क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है पहले, ध्यान देखें। आरबीआई जब बनी थी तो उसका जो वित्तीय वर्ष, जो लेखा वर्ष था वो क्या था? तो जब ये बनी थी, जब इसका डेब्यू मैच हुआ, तो डेब्यू मैच में इसने जनवरी टू दिसंबर अपना फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष रखा था। बट 1940 में, 1940 में इसका फाइनेंशियल ईयर, अकाउंट ईयर चेंज हो गया जुलाई टू जून। ये क्वेश्चन आईएएस में, यूपीएससी में आ चुका है। फेब 2020 फरवरी 2020 में इसने अपना नया फाइनेंशियल ईयर, नया वित्तीय वर्ष की घोषणा की है, वो है जो भारत सरकार की वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 31 मार्च तक, ठीक है। ये किस कमेटी के अनुशंसा पर हुई है? तो नीचे लिखा हुआ है, ये बिमल जलान कमेटी की अनुशंसा पर, 2019 में कमेटी बनी थी, इसके रिकमेंडेशन, इसके अनुशंसा पर ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ। ये किसी एग्जाम में नहीं आया, हो सकता है कि दिसंबर में जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला प्री में, शायद उसमें आ जाए, ध्यान रखिएगा उसको। अब हम लोग आरबीआई के फंक्शन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस बार, मुझे लगता है कि एसबीआई, आरबीआई का जो फंक्शन है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति जो है, इन्फ्लेशन का भी, इससे क्वेश्चंस जेपीएससी में इस बार मेंस में बन सकता है। मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चंस दिया है, आपको टॉपिक दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। देखिए फंक्शन, तो ये है आरबीआई के काम, क्या काम करेगी। तो आरबीआई के काम क्या क्या है, उसके पहले आरबीआई का कुछ प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि आरबीआई के काम, फंक्शंस ऑफ आरबीआई को लिखना है, तो आप इसे जरूर लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बोल रहा है कि देखिए मैं क्या आ रहा हूं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट तो यूपीएससी में आ ही चुका है इस बार। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स, इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट को जारी करना, ठीक है, इशू ऑफ बैंक नोट के जारी करना, उसे रेगुलेट करना, चलाते रहना। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड ये बोलता है कि कुछ चीजों को रिजर्व रखना, कुछ मनी को, कुछ पैसे को, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो अदर लिक्विडिटी फॉर्म में हो, सोना के रूप में है, सिक्योरिटी के रूप में हो, अपने पास रिजर्व रखना। पहला क्या हुआ था, नोट जारी करना, उसको रेगुलेट करना। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि अपने पास क्या रखना, कुछ रिजर्व रखना। क्यों? इसलिए रिजर्व रखना कि इनकेस मार्केट में पैसे की कमी हो गया, इनकेस कोई बैंक बैंकरप्ट हो गया, इनकेस फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तो ये अपने रिजर्व कोटा से दे देगा कि भाई आपने अपने घर में कुछ बचा के रखा है 10-15 हजार रुपया, इनकेस कोई इमरजेंसी पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे। यही तो लिखा है, सिंपल लिखा है, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, कुछ बचा के रखना अपने पास। क्यों? ताकि जो मौद्रिक स्टेबिलिटी है, जो मुद्रा की जो स्थिरता है, उसको सुरक्षित कर सके। तो बाजार में जो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इसको सुरक्षित कर सके। इसके लिए आरबीआई के पास बड़ा सा इंजेक्शन है। जब आरबीआई उस इंजेक्शन में पैसा भरी हुई है, पूरा रंग तो नहीं है, पूरा पैसा ही पैसा, मॉनेटरी, जब मार्केट में आरबीआई को पैसा बढ़ाना है, ये इंजेक्शन डाल दी, पैसा बाजार में गिर गया। और जब मार्केट से मनी उसको शक करना, ये खींच ली,
अब सारा जो पैसा है बॉटल वाला इंजेक्शन वो चला गया उसके सिरिंज में। तो आरबीआई के पास एक बढ़िया सिरिंज इंजेक्शन है, मैं पढ़ाऊंगा आपको इस इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन सब बार सब अंदर, यही आरबीआई करती है, बड़ा कमाल का चीज। ठीक है, आपको अपना इंजेक्शन का बढ़िया सा सुंदर सा जो इंजेक्शन का फोटो है वो बना देना है एकदम अच्छा सा सुंदर से। उस इंजेक्शन का नाम क्या है वो आपको बताना होगा ना। तो दो काम हो गया, पैसा बैंक नोट जारी करना, एक अपने पास कुछ मॉनेटरी कुछ अपने पास रखना रिजर्व, दो और तीसरा क्या है करेंसी एंड क्रेडिट को ऑपरेट करना। भारत में करेंसी मुद्रा और शाख मतलब ऋण जो लेती है देती है, तो मुद्रा का आदान प्रदान देना और लेना इसको वो करती है, यही तीन मुख्य काम है। अगर कोई भी स्टूडेंट आरबीआई के प्रेम्बल को ध्यान से पढ़ ले तो आरबीआई का बुनियादी बेसिक काम वो जान जाएगा। और मेरा मानना है कि जब आप फंक्शन मेंस में लिखें, कोई भी फंक्शन लिखें, आप आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी लिख रहे हैं, आप कुछ भी, तो ये चार लाइन लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आपका आंसर औरों से अलग होगा। इशू रिजर्व एंड क्रेडिट सिस्टम इज वेरी गुड महेश भगवान, बिल्कुल सही इसने कहा, तीन ही चीजें नोट इशूज कीप रिजर्व एंड क्रेडिट सिस्टम इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये आरबीआई का बुनियादी चीज है। अब इसके बाद हम लोग आरबीआई के फंक्शंस को पढ़ेंगे, आरबीआई का फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में। चलिए एक बार तेजी से हम लोग रिकैप कर लें, हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। तो मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक वर्ल्ड में, चलिए रिकॉल करें, वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंक था वो सेंट्रल बैंक वर्ल्ड में कहां बना हुआ था, वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंक था वो कहां था। ठीक है, तो वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक ये हो गया आपका यहां पर। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन में विश्व की सबसे पुरानी सेंट्रल बैंक है, उसका नाम आप रिकॉल करें क्या था। ठीक है, रिस्क था कि रिक्स था, रिस्क नहीं था रिक्स था। ठीक है, इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक कौन है, आप रिकॉल करें फटाफट, विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे पावरफुल कंट्री है उसी का ना होगा, तो सबसे पावरफुल सबसे बड़ी कौन है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, भारत की सेंट्रल बैंक कौन है, तो भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई। अब हम लोगों ने आरबीआई के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, पहला हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म जाना, फुल फॉर्म क्या है, रमेश बहादुर इंडियन, अच्छा नहीं ऐसा कुछ, ठीक है, तो जो भी आप जानते हो। ये कैसे बना, तो पहले एक कमिटी बनी, उस कमिटी का नाम चैम्बरलिन था, बट इस कमिटी के रिकमेंडेशन पर इंपीरियल बैंक बन गया। ठीक है, उसके बाद एक कमिटी बनी, उस कमेटी का नाम क्या था आप उसको रिकॉल कर लें, इस कमेटी का नाम क्या था, हिल्टन यंग कमेटी। इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन किया, अपना प्रस्ताव डाला, इसी बीच क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में 1929 से लेकर 34 के बीच में पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में आजादी मनाया गया, बहुत पैसा गिरा, ऊपर से बारिश हो रही थी पैसे की। इस दौर को पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक रेनफॉल ऑफ मॉनेटरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस दौर में पूरे विश्व में क्या हुआ, तो इस दौर में विश्व में मंदी आई, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर हुआ। ठीक है, दो बार पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, जैसे ही खत्म हो गया तो 1934 में क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट का नाम क्या था, नेचुरली इस एक्ट का क्या नाम था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट बना। कब बना, 1934 में। इसी के बाद आरबीआई का डेब्यू हुआ, तो आरबीआई का डेब्यू कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। चलिए मेरा क्वेश्चन है कि इस समय जब आरबीआई बनी तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे। ठीक है,
आरबीआई ये हो गया। अब आरबीआई का फिर नेशनलाइजेशन हुआ है, आरबीआई भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया आरबीआई, उसका नेशनलाइजेशन हुआ। कब हुआ आप देख लें, जब आरबीआई बनी थी तो क्या ये ब्रिटिश सरकार की थी कि कुछ प्राइवेट लोगों की थी? तो ये प्राइवेट लोगों की ही थी, ठीक है। इसका नेशनलाइज ये पाकिस्तान के रूप, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर रही थी, ये बर्मा के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर रही थी, और भारत के सेंट्रल बैंक तो थी। आईएमएफ में आरबीआई ने रिप्रेजेंट किया, आने वाले एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड लिंथगो लिटन, लॉर्ड लिटन नीरज कुमार, भाई लॉर्ड लिटन कैसे इस समय आ जाएंगे, लॉर्ड लिंथगो, विलियम वेंटिक, आप ब्लाइंडली नहीं बोल देना है जो मन करे सो। तो ये नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका, एक रिकैप कर लिया हम लोगों ने फटाफट। नेशनलाइजेशन इसका 1949 में हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद आरबीआई के कुछ सब्सिडरी बॉडीज हैं, आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आरबीआई कितने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, टोटल 21 हो गए, इधर 5 इधर 16। तो एक बार तेजी से फटाफट रिकॉल कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरबीआई के फंक्शंस को देखेंगे। आई होप आरबीआई का कुछ बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए एक मेंस का कोई क्लास ले लूँ, कल मेरा ऑफ है तो हम लोग उसको करेंगे, डिफरेंट बिटवीन रिसेशन डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ, सबके बीच में अंतर तो है ही। चलिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट।